हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में एक गेसिंग गेम बनाना सीखेंगे। सो हमने अभी जस्ट लूप्स पढ़े और उसके पहले हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा। ये जो गेम है इट इज अ गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में जो गेम बनाएंगे उसका पूरा फंक्शनैलिटी कैसा होगा पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक डेमो देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग उसको कोड करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी बहुत सिंपल है। आप जैसे ही उस प्रोग्राम को रन करोगे ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम 1 से 100 के बीच में एक नंबर को रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा, विच विल बी द जैकपॉट नंबर। यूजर को वही नंबर गेस करना होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम यूजर को बोलेगा गेस करो। अब मान लो आपका जैकपॉट नंबर था 50, तो यूजर को 50 गेस करना था। तो आपने यूजर से पूछा कि चलो गेस करो, आपके यूजर ने बोला 25, तो आपका प्रोग्राम बोलेगा गलत है, गेस हायर। आपके यूजर ने बोला 40, आपका प्रोग्राम बोलेगा गलत है, गेस हायर। आपके यूजर ने बोला 60, आपका प्रोग्राम बोलेगा गलत है, गेस लोअर। आपके यूजर ने बोला 50, आपका प्रोग्राम बोलेगा करेक्ट है। यू टुक 4 अटेम्प्ट्स। सो साथ ही साथ आप ये भी काउंट करोगे कि यूजर ने कितनी बार गेस करने का ट्राई किया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आप यूजर को बताओगे। ठीक है, तो दिस इज द गेम। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। मैंने ऑलरेडी एक कोड लिख रखा है। सो यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर सिलेक्टेड है और मुझे गेस करना है। सो लेट्स से मैंने बोला 50, वो बोल रहा है गेस लोअर, दोबारा गेस कर। मैं बोल रहा हूँ 25, गेस हायर, मतलब अब 25 से 50 के बीच में कहीं पर है। मैंने बोला 40, गेस हायर, 40 से 50 के बीच में है। 45, गेस हायर, 45 से 50 के बीच में है। 47, गेस लोअर, तो अब हम 46 ही बचा एक्चुअली। सो ये देखो बोल रहा है करेक्ट गेस, और यू टुक 6 अटेम्प्ट्स। एक अटेम्प्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो ये गेम हमें बनाना है। ओके, तो ये रहा वो नया नोटबुक जहां पे हम कोड करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि आपको सीखना पड़ेगा कि रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट किए जाते हैं। सो इसके लिए हम पाइथन में एक मॉड्यूल होता है रैंडम बोल के, हम उस मॉड्यूल को यूज करेंगे। सो आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है यूजिंग दिस सिंटेक्स। इंपोर्ट जैसे सी में या सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड होता है, उसी तरीके से पाइथन में इंपोर्ट कीवर्ड होता है टू इंपोर्ट अदर मॉड्यूल्स। ठीक है, सो आपने इसको इंपोर्ट कर लिया और अब इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर अलग अलग फंक्शंस हैं, बट हमें जिस फंक्शन से मतलब है उसका नाम है रैंड इंट। और इसमें आप दो नंबर्स दे सकते हो, ये देखो ए और बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटर्न्स रैंडम इंटीजर इन द रेंज ऑफ ए टू बी इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 से 100 दे दिया तो जो नंबर जनरेट होगा वो 1 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 और 100 भी हो सकता है। ठीक है, हमने एक बार रन किया। देखो आप जितनी बार इस कोड को रन करोगे यू विल गेट अ डिफरेंट इंटीजर बिकॉज इट इज जनरेटेड रैंडमली। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट किए जाते हैं इन अ गिवन रेंज। अब हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, सो प्रोग्राम का फ्लो बहुत सिंपल है। जब आप पहला लाइन लिखोगे आप वहां पे ये लिखोगे कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं ये कोड लिख रहा हूं रैंड इंट, एक्चुअली रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से लेके 100 के बीच में, और ये जो नंबर जनरेट होगा इसी को हम बोलेंगे जैकपॉट बिकॉज यही गेस करने पे प्राइज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला काम मैं क्या करूंगा, मैं यूजर को बोलूंगा गेस करने के लिए। तो मैं लिख रहा हूं इनपुट चल गेस कर। ठीक है, अब देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट इज एन इंटीजर, और जब आप यूजर से इनपुट लोगे तो वो स्ट्रिंग होगा, तो आप कंपैरिजन नहीं करा पाओगे, तो इसलिए आपको पहले एक बार टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो मैंने टाइप कन्वर्जन कर लिया और जो भी यूजर ने डाला उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ बाय द नेम ऑफ गेस। ठीक है, अब सोचो मेरे पास सही नंबर भी है, मेरे पास वो नंबर भी है जो यूजर ने गेस किया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर वो दोनों नंबर बराबर है तो काम हो गया, अगर वो दोनों नंबर बराबर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यूजर का दिया हुआ नंबर छोटा है या तो फिर यूजर का दिया हुआ नंबर बड़ा है। तो
तो मुझे उसको बताना है कि गेस लोअर या गेस हायर, और फिर दोनों केसेस में मुझे यूजर से दोबारा इनपुट लेना है। बट ये सारा काम मुझे कितनी बार करना है, एक्चुअली इसका कोई आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स आपके यूजर के ऊपर, मतलब आपको पहले से नहीं पता कि ये काम आपको कितनी बार करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको वाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं वाइल लूप। कंडीशन क्या होगा वाइल लूप का, लूप कब तक चलेगा? एकदम अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात करो तो आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा। आपको लूप तब तक चलाना है, आपको ये गेम तब तक कंटिन्यू करना है जब तक गेस का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जैकपॉट। तो हम यहां पे लिखेंगे व्हाइल गेस इज नॉट इक्वल टू जैकपॉट, जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक आप लूप के अंदर रहोगे। अब लूप के अंदर अगर आप आ रहे हो, सोच के देखना, अगर आप लूप के अंदर आ रहे हो इसका एक ही मतलब है कि आपने गलत गेस किया। सोच के देखो, अगर आपने सही गेस किया होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता और लूप के बाहर निकल जाते, राइट? इसका मतलब आप ये बोल सकते हो बाहर आकर के, अगर आप लूप क्रॉस कर गए कभी भी तो इसका मतलब आपने सही गेस कर दिया, तो आप लिख दोगे सही जवाब। बट अगर आप लूप के अंदर हो इट मींस कि आपने अभी तक सही गेस नहीं किया, तो अगर अंदर हो तो गलत हो, और गलत हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपने कम वाला गलत बोला या तो आपने ज्यादा वाला गलत बोला। हम दोनों केसेस हैंडल करेंगे। हम लिखेंगे इफ गेस इज लेस देन जैकपॉट, इन दैट केस वी वुड प्रिंट आउट गेस हायर, क्योंकि गेस का अभी वैल्यू जैकपॉट से छोटा है तो आप बोलोगे गेस हायर। और अगर कोई दूसरा केस है तो वो ये है कि अब गेस का वैल्यू इज ग्रेटर देन जैकपॉट, तो इस केस में आप प्रिंट कराओगे गेस लोअर। और फिर आपने यूजर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप क्या करोगे, फिर से यूजर से नया गेस मांगोगे। सो आई विल कॉपी दिस, और लूप के अंदर हम लोग गेस कर लेंगे। ठीक है, ये गेस बाय द वे इफ और एल्स दोनों से बाहर है, विच मींस इफ हो या एल्स हो दोनों केसेस में आप यूजर से दोबारा नंबर मांगोगे। ठीक है, एंड दैट्स द कोड गाइस, दैट्स द कोड। अगर मैं इसको एक बार रन करूं, लेट्स से मैंने बोला 45, गेस हायर 60, गेस लोअर 55, गेस लोअर 50, सही जवाब, राइट? तो वो नंबर 50 था। बस अब एक चीज बच गया कि हम ये कैसे काउंट करेंगे कि उसने कितने अटेम्प्ट्स लिए हैं, राइट? बहुत सिंपल है, आप जब भी यूजर से गेस का वैल्यू मांगो उतनी बार एक काउंटर का वैल्यू अपडेट करते जाओ। सो जब यूजर से मैंने फर्स्ट टाइम मांगा, मैंने काउंटर का वैल्यू 1 कर दिया, और उसके बाद लूप में जितनी बार और मांगूंगा हर बार मैं काउंटर का वैल्यू 1 से बढ़ाते जाऊंगा, और हर बार मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यू took counter comma attempts। चलो फिर गेस करते हैं, 30 गेस हायर, 50 गेस हायर, 70 गेस लोअर, 60 गेस लोअर, 55 गेस हायर, 57 गेस हायर, 59 गेस लोअर, 58 ही बचा सही जवाब। यू took 8 attempts। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स द कोड। बहुत ही सिंपल कोड था, अगर आप स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली सोचो, अदरवाइज डिफिकल्ट लग सकता है। आपको हमेशा अपने कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके कोड करना चाहिए। जैसे शुरू में मैंने इस बात का टेंशन नहीं लिया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काउंट करने हैं, शुरू में मैंने कोर लॉजिक पे फोकस किया, और फिर जो एडेड लॉजिक था वो मैंने कंप्लीट होने के बाद ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको पूरे टाइम मॉड्यूलर तरीके से सोचना होता है। सबसे छोटा जो लॉजिक है वो इंप्लीमेंट करो, फिर उसको बड़ा करो, फिर उसको बड़ा करो, एंड इवेंचुअली यू विल रीच अ पॉइंट जहां पे आप कंप्लीट कोड कर लोगे। ठीक है, तो दैट्स इट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फॉर लूप्स।